हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा पांच ऐसे नए टर्किश ड्रामास जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वैसे तो इन टर्किश ड्रामास को बहुत पहले ही डब किया गया था, मगर यूट्यूब पे अभी ये रिसेंटली ही अपलोड किए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यान इन्फो। आइए जानते हैं टॉप न्यू टर्किश ड्रामास अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यतीम दिल 2014 में टेलीकास्ट हुआ रोमांटिक टर्किश ड्रामा। ये कहानी एक खूबसूरत लड़की ऐसे की है जिसकी शादी मुराद से होने वाली होती है, पर मुराद उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी कजिन से प्यार करता है। वहीं ऐसे की कजिन मरियम को किडनैप कर लिया जाता है, और आगे कैसे वो उसको छुड़ाती है और आगे उसे कैसे एक दूसरे इंसान से प्यार होता है, ये सब देखने के लिए देखिए यतीम दिल यूट्यूब पर। टीम वन 2012 में टेलीकास्ट हुआ है एक्शन क्राइम टर्किश ड्रामा। ये कहानी सात पुलिस ऑफिसर्स की है जिनको कहते हैं टीम वन। इस कहानी में देखिए कैसे पुलिस ऑफिसर्स अपने जान पे खेल के गुनहगारों को सजा देते हैं और कैसे सिटी में होने वाले सारे क्राइम केसेस को सॉल्व करते हैं। ये शो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। एलिफ 2013 में टेलीकास्ट हुआ है टर्किश ड्रामा। ये कहानी एलिफ की है जो एक डॉक्टर बनना चाहती है और वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मगर वहाँ पे हिजाब पहना अलाउड नहीं है जिसके बाद एलिफ कैसे अपने हक के लिए आवाज उठाती है और आगे क्या होता है ये देखने के लिए देखिए एलिफ यूट्यूब पर, जहाँ पे आपको सारे एपिसोड्स अवेलेबल मिल जाएगा। तख्त और बगावत ये एक हिस्टोरिकल टर्किश ड्रामा है। ये कहानी 18 सेंचुरी की है जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर और पर्शियंस के बीच में बैटल हुआ था जिसमें पर्शियंस को हार मिली थी, पर यह जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और आगे क्या होता है ये देखने के लिए देखिए तख्त और बगावत उर्दू में यूट्यूब पर। ये है मेरी कहानी 2012 में टेलीकास्ट हुआ है साइकोलॉजिकल मिस्ट्री टर्किश ड्रामा। ये कहानी दो कपल्स की है जिसमें से पहला कपल है आइलिन और सलीम, जो अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका एक बेटा भी है, और वहीं दूसरे कपल हैं हलील और एलिव जो अपनी शादी से नाखुश हैं और वो जल्दी ही डिवोर्स देने वाले होते हैं। एलिन और सलीम की अच्छी खासी चल रही लाइफ में एक ट्विस्ट आता है जब सलीम जर्मनी जाता है और वहाँ पे उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। इसके बाद एलिन को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है, पर वो एयरपोर्ट के सारे कैमरास को चेक कराने लगाती है जहाँ पे ये पता चलता है कि सलीम प्लेन में कभी चढ़ा ही नहीं था। और आगे क्या होता है ये देखने के लिए देखिए ये है मेरी कहानी यूट्यूब पर।